नमस्कार, स्वागत है आपका सेल 24 न्यूज में। हमारे खास प्रोग्राम आज मंत्री जी की सुने। इस खास प्रोग्राम में हम आपको रूबरू कराएंगे जबलपुर के उस लाडले नेता का जिसका लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, कौन सा विभाग मिलेगा, मंत्रिमंडल में कौन सी जगह मिलेगी। और वो दिन आने के बाद उनका जब शहर आगमन हुआ तो गर्मजोशी से स्वागत भी हुआ था। पूर्व विधानसभा क्षेत्र के विधायक और अब मंत्री बन चुके हैं लखन घनघोरिया जी हमारे स्टूडियो में है। लखन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस स्टूडियो में। धन्यवाद। हम इस खास प्रोग्राम में चर्चा करने के पहले बताना चाहेंगे कि लखन घनघोरिया जी एक ब्रेक के बाद फिर विधायक बने और विधायक बनने के बाद सत्ता कांग्रेस की आई और उन्हें मंत्री भी बनाया गया। ये शहर की खुश नसीबी भी कहा जाएगा क्योंकि एक लंबे वक्त से जो शून्य था उस शून्य को भरने का काम जबलपुर को जो दो कैबिनेट मंत्री मिले हैं उससे काफ़ी हद तक हो पाएगा। लखन जी, पहला सवाल आपसे इस खास प्रोग्राम में यही है कि जिस तरह इस बार विधानसभा चुनाव हुए, विधायक बने, सरकार बनी, मंत्रिमंडल का गठन हुआ और मंत्रिमंडल का गठन होने के बाद आपको जो विभाग मिला, कितना कठिन टास्क था इलेक्शन में भी, और जो कॉन्फिडेंस था आपको, कॉन्फिडेंस सिर्फ आपको अपने चुनाव जीतने का था, पार्टी की सरकार बनने का था और क्या मंत्री बनने का भी था? हाँ, जिस प्रकार से एक अराजक वातावरण बन चुका था उस समय की सरकार के खिलाफ, हालात पूरे प्रदेश के बदतर हो गए थे। ऐसा समाज का कोई वर्ग नहीं बचा था जो अपने आप को छला हुआ महसूस नहीं कर रहा था। वो साफ दिख रहा था कि ये सरकार जाएगी, बशर्ते ये है कि एक सबल नेतृत्व आ जाए। और जिस दिन कमलनाथ जी का चेहरा डिक्लेयर हुआ उसी दिन तय हो गया था कि शिवराज सिंह जी की सरकार चली जाएगी और सत्ता कांग्रेस की बनेगी। कारण है कि कमलनाथ जी को मध्य प्रदेश का जनमानस विकास पुरुष के रूप में देखता है। जिनने छिंदवाड़ा देखा है उनको लगता है कि ये व्यक्तित्व, ये व्यक्ति देने वाला है, लेने वाला नहीं। तो ये तय हो चुका था जैसे ही कमलनाथ जी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने, कांग्रेस की गवर्नमेंट आएगी और जनमानस कहने लगा था। ये कॉन्फिडेंस था हमको, हमको कहीं से किंचित मात्र ये नहीं था कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। क्या ऐसा किस तरह से आपको पूरा भरोसा था कि चुनाव लड़ेंगे ही? कॉन्फिडेंट हम बिल्कुल थे, पूरी तरीके से थे। और जो संघर्ष हम करते थे उससे सब लोगों को समझ में भी आ रहा था कि बहुत कॉन्फिडेंट होके हम चुनावी समर में उतरे। चुनावी समर में भी आपने हमारा वो आत्मविश्वास का चेहरा देखा होगा। सरकार बनने के बाद भी आपको कहीं नहीं लगा होगा कि हम लोग कहीं से, तो मूल्यांकन का अधिकार कमलनाथ जी को था, उनको मालूम था कि उनको अपनी टीम में किन किन लोगों को रखना है। वो बेहतर जानते हैं पूरे मध्य प्रदेश के नेताओं को, जमीन कौन कितना जमीन के नीचे, कौन कितना जमीन के ऊपर, उनके पास पूरा पैरामीटर है। लेकिन इस बार का जो इलेक्शन हुआ, खासतौर पे पूर्व विधानसभा क्षेत्र को हम देखें, जो वहाँ की पूर्व विधानसभा क्षेत्र की जो तासीर भी रही, पिछला चुनाव भी आपने फाइट किया था लेकिन जिस तरह के जो नतीजे आए वो आपके पक्ष में नहीं रहे, इस बार ऐसा क्या हुआ कि जो जीत का अंतर है काफ़ी ज़्यादा अंतर रहा, लगभग 35,000 वोटों से आपने जीत दर्ज की। 5 साल का जो गैप था उस 5 साल में आप विधायक ना होने के बावजूद जो आपकी तैयारी थी वो कैसे आपने इतना बड़ा अंतर हासिल किया? राजनीति में ना तो जीत से इतराया जाता है ना हार से घबराया जाता है। समाज सेवा करने निकले हो आप तो ये तो होगा, कभी अस्वीकारता आएगी कभी स्वीकारी जाएंगे। पिछला चुनाव जो कुछ था
वो हालात अलग थे, उसके बावजूद पूरी सरकार चुनाव लड़ी थी। भारतीय जनता पार्टी से तो हम लड़ लिए थे, वो चुनाव सही मायने में सरकार ने लूट लिया था। जहाँ तक सवाल है सक्रियता का, तो यदि आप जनमानस की समस्याओं को लेकर जनता की आवाज बनते हो तो जनता आपके साथ खड़ी रहेगी। तो इस बार का जो इलेक्शन रहा, जब आपने फाइट किया, तो उसमें सरकार के खिलाफ जनता में नाराजगी थी, जो वहां के जनप्रतिनिधि थे उनके खिलाफ नाराजगी थी, या फिर और दूसरे जो मुद्दे थे उन मुद्दों को? सब चीजें थी। सरकार के खिलाफ दोषी तो सरकार ही कहलाएगी, चाहे विधायक की तरफ से गड़बड़ियां हो रही हो, चाहे सांसद की तरफ से हो रही हो, और चाहे उस पार्टी के पार्षद की तरफ से हो रही हो, दोषी तो सरकार कहलाएगी। एक अराजक स्थिति जहाँ बन चुकी थी हमारे क्षेत्र में, विशेष करके नशे का चलन, और वो भी स्मैक जैसे मादक पदार्थों का, जिससे न केवल परिवार बर्बाद होता है बल्कि मोहल्ला पड़ोस भी बड़ी असहज स्थिति महसूस करता है। और ये हुआ हमारे क्षेत्र में ज़्यादा हुआ, और जनप्रतिनिधि के इशारे पे हुआ, उनके रिश्तेदारों ने किया। चुने हुए विधायक का भतीजा या भाई स्मैक के कारोबार में लिप्त रहे, या उनका ड्राइवर स्मैक के कारोबार में लिप्त रहे, तो आप बहुत अच्छी उम्मीद नहीं कर सकते कि ये विकास करेंगे। ये नस्ल को बर्बाद कर रहे थे। हालात ये थे कि जिन बच्चों को शिक्षा के लिए कापी किताब जिनके हाथ में होना चाहिए उनके हाथ में स्मैक की पुड़िया आ जाती थी, जिन नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए उनके हाथ में सट्टा की पट्टी दे दी जाती थी। तो ये अराजक वातावरण पूरे क्षेत्र में और कमोबेश पूरे प्रदेश में था। एंटी इनकम्बेंसी नहीं, नाकामी थी इनकी, जो जनता ने इनको अस्वीकार किया। बिल्कुल, आपके विधानसभा क्षेत्र को देखें तो जबलपुर का पूरा सिनेरियो देखें तो आपराधिक ग्राफ के मामले में पूर्व विधानसभा क्षेत्र का ज़्यादा ग्राफ बढ़ता है, नशे की मंडी भी कह सकते हैं। लेकिन अब आपके ऊपर दोहरी जिम्मेदारी भी, आप मंत्री भी हैं, पूरे प्रदेश के मंत्री हैं, ऐसी स्थिति में अब उन चीज़ों से कैसे आप उभारेंगे? यदि दूसरे मायने में देखें तो चाहे वो भाजपा से जुड़े लोग हों या कांग्रेस से जुड़े भी लोग हों, वो आपराधिक गतिविधियों में बीच बीच में कहीं ना कहीं सुर्खियों में रहे हैं, अब उन सब बातों से कैसे उस क्षेत्र को उभारेंगे और पूरे शहर को भी अपराध मुक्त बनाने के लिए क्या कोशिशें आपकी तरफ से होंगी? सबसे बड़ी चीज होती है कि जनमानस क्या चाहता है। यदि इतनी भारी तादाद में जनमानस ने हमको मैंडेट दिया तो एक अराजक वातावरण के खिलाफ मैंडेट दिया, वो अपने बच्चों के भविष्य को लोग लेकर आशंकित थे, वो संकेत इस बात पे भी थे बढ़ते अपराधों को लेके, तो वो सारा का सारा जनमानस आज हमारी ताकत बन चुका है। और मैं समझता हूँ कि जिसके साथ इतनी ताकत रहे उसको असहज कुछ नहीं लगता, सारी चीज़ें मेंटेन कर लेंगे। जनमानस हमारे साथ है तो ये सारी चीज़ों को हम बलात् रोक सकते हैं, और ये कोशिश करेंगे, एक अराजक वातावरण को बदलेंगे, कम से कम बच्चों को शिक्षा मिले, नौजवानों को रोजगार मिले, इसके लिए हमारी प्राथमिकता नहीं प्रतिबद्धता है। एक सवाल और, हम राष्ट्रीय परिदृश्य में देखें, लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, हिंदुत्व का एजेंडा फिर से हावी होने लगा है, और पूर्व विधानसभा क्षेत्र की तरह ही मध्य प्रदेश की कई और भी ऐसी कुछ सीटें रही हैं जहां पर मुस्लिम वोट बैंक ने कांग्रेस को वो सीटें जिताई भी। पूर्व विधानसभा क्षेत्र में भी मुस्लिम बाहुल इलाके जो है उन्होंने आपको वोट दिया। अब ऐसे इसमें जो तालमेल है, बैलेंस है, क्योंकि लोकसभा चुनाव भी आने वाला है, कहीं मतदाताओं को ये ना लगे कि सिर्फ एक वर्ग विशेष की राजनीति में कांग्रेस रही, वो बैलेंस अब कैसे उसको किया जाएगा? ये तो संतुलन बना हुआ है, ये सच है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये आरोप लगाती रही कि कांग्रेस एक वोट बैंक एक विशेष वर्ग तक ही सिमट के रहता है, लेकिन अब तो हकीकत देख ली भाजपा,
अब तो जो गुमान में माननीय शिवराज सिंह जी थे, हम कहते थे, किसी शायर ने लिखा है कि तुम्हारे पाँव के नीचे जमीन नहीं, ताज्जुब है तुमको यकीन नहीं। हम तो कहते थे, 2 साल से कह रहे थे कि इनका जनाधार खत्म हो चुका है, हर वर्ग इनसे नाराज है, कोई ऐसा वर्ग समाज का नहीं है जो इनसे परेशान ना हो, इनसे नाराज ना हो। ये रिश्ते बनाते हैं, रिश्तों की हिफाजत कहाँ कर पाए। इनने रिश्ता दिया, प्रदेश भर की बच्चियों को भांजी बोला, प्रदेश भर की महिलाओं को बहन बोला, लेकिन ना भांजियों की हिफाजत कर पाए, ना बहनों की हिफाजत कर पाए। क्या कारण है कि सुप्रीम कोर्ट ने इनके खिलाफ अपनी टिप्पणी की कि मध्य प्रदेश में जहाँ देखो वहाँ दुष्कर्म के सबसे ज़्यादा केसेस हो रहा है, और NCR की रिपोर्ट थी कि मध्य प्रदेश पूरे देश में नंबर 1 है महिला अत्याचार दुराचार के मामले में। ये कैसे मामा थे, कैसे भाई थे जो बहनों की और भानियों की हिफाजत नहीं कर पा रहे थे। उसी समय ये स्लोगन मैंने दिया था कि भानियों पे जुर्म भारी है, मामा सरकार तुम्हारी है, और बहनों पे आफत जारी है, भैया सरकार तुम्हारी है, किसानों को गोली मारी है, बेटा सरकार तुम्हारी है, व्यापम में हुई मक्कारी है, साहिब सरकार तुम्हारी है, ये हमने कहा था। आपके विभाग की बात करेंगे, जो आपको विभाग मिला अनुसूचित जाति सामाजिक कल्याण पुनर्वास विभाग जो मिला है, अब इस विभाग को लेके हम यदि बात करें तो इस बार के जो चुनाव थे एट्रोसिटी एक्ट का भी कहीं ना कहीं असर दिखा, और इसका फायदा पूरे तरीके से भाजपा को मिला, चाहे वो चंबल संभाग का हो, चाहे मालवा क्षेत्र में भी काफ़ी कुछ इलाके हों, लोगों में काफ़ी नाराजगी थी एट्रोसिटी एक्ट को। अब आपके पास जो विभाग है, उस विभाग को समकक्ष रखते हुए किस तरह से अब इस पर तैयारी कांग्रेस सरकार की भी रहेगी? क्या एट्रोसिटी एक्ट में जो भाजपा ने कहा था उस भाजपा के फॉर्मूले को आगे जारी रखा जाएगा, या उसमें बदलाव या संशोधन की गुंजाइश? कांग्रेस की अपनी आइडियोलॉजी है, कांग्रेस एक विचारधारा है, कांग्रेस की विचारधारा को लेकर भागते हैं लोग। हम किसी की विचारधारा को अंगीकार नहीं करते, ना अपने आप में समाहित करते। हमारी बड़ी विशाल विचारधारा है, सर्वधर्म संभव हमारे संविधान का मूल मंत्र है, इसलिए हम धर्मनिरपेक्ष संविधान हमने दिया। पूछने का मतलब है कि अब जो इस तरह के मामले पहुंचेंगे तो इसमें क्या शिकायत करने वाला जो व्यक्ति है उसका पक्ष सुनने के पहले जो पीड़ित पक्ष भी है उसका भी, क्या जो आरोपी पक्ष है उसका भी पक्ष सुना जाएगा, मौका उनको दिया जाएगा? ये एक व्यापक बहस का मुद्दा है, व्यापक बहस का मुद्दा है। हमारे संविधान जब से संविधान बना, जिनको जो शक्तियां प्रदत्त है वो संविधान के द्वारा प्रदत्त है, संविधान पर समय समय पर संशोधन हुए। एट्रोसिटी एक्ट जब बना तो ये संविधान का संशोधन था, और हमारा मानना है कि जब कोई भी संशोधन आता है तो वो कानूनी गुणदोष को देख के नहीं, तत्काल व्यवस्था की आवश्यकता को लेके आता है संशोधन, और उसमें कानून के गुणदोष नहीं देखे जाते। एट्रोसिटी एक्ट का मसला अलग है, आरक्षण अलग है। हमारा व्यक्तिगत मत है कि जो दलित शोषित पीड़ित लोग हैं इनको संविधान ने वो ताकत दी है जब से संविधान बना है, और उसको इस एट्रोसिटी एक्ट को उससे नहीं जोड़ना चाहिए। एट्रोसिटी एक्ट में हमारा स्पष्ट मत है, लेकिन हमारा व्यापक सोच है कि कोई भी, हमारा कानून कहता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। इस प्रकार के एक्ट का दुरुपयोग तो होने लगा है, होता है, एट्रोसिटी एक्ट का है, दहेज का है, पास्को का है, दुरुपयोग हो रहा है। एट्रोसिटी एक्ट का जो मूल उद्देश्य था उससे भटका था एट्रोसिटी एक्ट। लेकिन इसमें प्रयास होगा कि अब कांग्रेस सरकार का कि इसमें जो भी इस तरह के जो दुरुपयोग होने वाले कानून हो, जितना हद तक राज्य सरकार के हाथ में जो भी सीमाएं हैं उसके हद में कुछ ना कुछ ऐसे संशोधन या कुछ ऐसे प्रयास होंगे कि जिसमें उसका नाजायज फायदा ना उठाया जाए।
एट्रोसिटी एक्ट में बहुत स्पष्ट है कि इसकी जांच के अधिकार पुलिस में फर्स्ट क्लास ऑफिसर को रहता था, गजिस्ट्रेड ऑफिसर जांच का अधिकार। कोई भी केसेस हो बगैर जांच किए तय नहीं होना चाहिए। यदि किसी ने जुर्म किया है तो उसको आपका कानून कहता फांसी दे दो, लेकिन जांच तो करो। एक सवाल अब आपकी, कांग्रेस सरकार बनने के पहले जो वचन पत्र घोषित किया गया था और उसमें कई वचनों में से एक वचन विधान परिषद का भी था, अब चूंकि आप पूरे प्रदेश के मंत्री हैं, ना सिर्फ आप विधायक हैं, विधान परिषद के लिए आप क्या सोचते हैं? विधान परिषद का कहीं जिक्र नहीं किया कि इस शहर में, अभी शहर चिन्हित नहीं किया, जबलपुर में कई सालों से उपराजधानी की मांग भी उठती रही है, इन दोनों विषयों पर क्या आपका रिएक्शन होगा? एक तो जुमा 15 दिन हुए हमको शपथ लिए या हमारी सरकार आए अस्तित्व में आए, लेकिन व्यक्तिगत 15 दिन हुए। उसके बाद 15 मिनट में जिस दिन माननीय कमलनाथ जी ने शपथ ली थी, जो काम 15 साल में नहीं हुआ था वो 15 मिनट में किया, वो 15 मिनट में किया। अभी 15 दिन भी नहीं हुए, अभी आगे तो चले। हम अपने वचन पत्र के लिए प्रतिबद्ध हैं और उसका एक आपको उदाहरण दे दें कि हमने वृद्धा पेंशन जो 300 रुपया पिछली सरकार देती थी, पहला काम हमारे मंत्रालय का है, माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने पहला काम वो 300 से वो पेंशन बढ़ा के 1000 की वृद्धों के लिए। तो वचन पत्र में जितनी चीजें हैं वो हम पूरी करेंगे। रह गया सवाल जबलपुर का, तो हमारे साथ हमारी प्राथमिकता भी ये है कि हमारा शहर जो बरसों से उपेक्षा का दंश सहते आया, पहली बार लंबे समय बाद हुआ कि मध्य प्रदेश की सरकार में पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र के बाद जबलपुर संभाग का कोई मुख्यमंत्री बना, पहली बार हुआ। इसीलिए सवाल महाकौशल के विकास, इसलिए और इसलिए आगे पहली बार ये भी हो रहा है कि विधानसभा अध्यक्ष जबलपुर संभाग से रहेगा और जबलपुर जिले से एक नहीं दो दो कैबिनेट मंत्री, मतलब सत्ता का पूरा पावर स्टेशन यदि कहीं से होगा तो जबलपुर संभाग से, मुख्यमंत्री विधानसभा अध्यक्ष। तो स्वाभाविक है हम जबलपुर का हक लेंगे। उसका बहुत बड़ा कारण है कि हम कभी छले गए थे, जहाँ राजधानी बनना थी जबलपुर को नहीं बन पाई। अब हम चाहेंगे विधान परिषद का गठन हो तो जबलपुर में हो। तो ये संकेत माना जाए कि आपके तरफ से पूरी ताकत, पूरी ताकत रहेगी, पूरी ताकत लगाएंगे इसके लिए। इसके साथ ही अभी वंदे मातरम को लेके एक सवाल, वंदे मातरम को लेके मध्य प्रदेश सरकार ने उस पर औपचारिक रूप से तो घोषणा नहीं की कि पूरा बंद हो जाएगा, लेकिन उसका रूप बदलने की बात की जा रही, भाजपा सरकार कराती थी, इतनी हाय तोबा क्यों, इतना परहेज वंदे मातरम? हाय तोबा ये लोग क्यों कर रहे हैं कि वंदे मातरम बंद कर रहे, इनको क्या तकलीफ है इससे? सबसे बड़ी विचित्र चीज ये है कि ये सारी चीजें इंसान के अपने स्वभाव में शामिल हो चुकी, ऐसा नहीं कि यही बस राष्ट्रभक्त हो, ये तो राष्ट्रभक्ति को जानते नहीं क्या होती। इनने तो आजादी की लड़ाई में मुखबरी की है, आज बहुत बड़े राष्ट्रभक्त हो रहे। इनने तो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की प्रतियां जलाई हैं, और अकेले आरक्षण की नहीं, उसमें तो उनने महिला कोर्ट बिल की वकालत की थी बाबा साहब अम्बेडकर ने, तब इनने प्रतियां जलाई। अब इनको सिर्फ ये चीज है, कन्या पूजन करो, वंदे मातरम गाओ, इतनी राजनीति है इनके पास, और कुछ नहीं है। गौ माता को बचाओ, इंसानों को फूंक दो, इतनी राजनीति है। बड़ी विचित्र बात है
तो कांग्रेस सरकार अब इस राष्ट्रीयता को पाखंड ढोंग ढोंग सिर्फ कांग्रेस सरकार परहेज करेगी। वंदे मातरम के गान से हजारों करोड़ों रुपया बर्बाद करते हो, ये तो आत्मा से निकलना चाहिए। और हर आदमी कहता है जरूरी है इसमें क्या क्या सरकारी स्तर पे इतना खर्चा किया जाए, तो फिर इस तरह से तो राष्ट्रगान पे भी कल दिन उंगली उठ सकती है कि जो राष्ट्रगान कांग्रेस ने इतने समय से कांग्रेस ने सत्ता में रही है विज्ञापन में इतना खर्च नहीं करती जितना ये करती। इनको छपास का रोग है, इनको खुद चेहरा दिखाने का रोग है, इनको श्रेय लेने का रोग है। तो उसके पीछे ये सरकारी खजाना का जितना दोहन कर सकते वो करते। हम तो फिजूल खर्चा पे रोक लगाना चाहते, लेकिन वंदे मातरम को कौन बंद कर सकता, किसकी औकात है? वंदे मातरम के पालक पोषक जो रहे हैं जिनने छातियों में गोली खाई, जो हंसते हंसते फांसी के फंदे पे झूले, ये उन पे आरोप लगाएंगे? इनने तो मुखबरी की है, इनका तो इतिहास रहा है, और जिनका इतिहास गद्दारी का होता वो कभी सही नहीं होते, जिनका इतिहास उनका भविष्य भी सुरक्षित होता। फिजूल खर्ची की आपने बात की, हालांकि कई जो कैबिनेट मंत्री हैं जो उनको नई गाड़ी खरीदी जानी थी उसमें जब कमलनाथ जी ने रोक लगाई तो कुछ नाराज भी रहे मंत्री, ये अलग बात है, वो तो बाद में होगी। शहर के हम डेवलपमेंट को बात करें, स्मार्ट सिटी की दिशा में शहर जा रहा है, स्मार्ट सिटी बनाने की कोशिशें हो रही हैं, कौन से ऐसे जो एक गैप है शहर, चाहे भोपाल हो, इंदौर हो, उज्जैन हो, ग्वालियर हो, उनके लेवल पे ये शहर कहीं दिखाई नहीं देता, कौन से ऐसे कोशिश होंगी, प्रयास होंगे कि अब ये जबलपुर शहर की सूरत बदले? कमलनाथ जी भी इसी संभाग से, और जो आपने कहा कि पावर स्टेशन जबलपुर में बने, ये उपेक्षा का दंश जबलपुर लंबे समय से तह रहा है। सरकारें बदलती हैं, योजनाओं का स्वरूप बदल जाता है, यही चीजें थी जवाहरलाल शहरी नवीनीकरण योजना की, आज आप उसको स्मार्ट सिटी की बात कहते हो, वो योजना थी पूरे समग्र जिले की, शहर की। स्लैम हाउस बनना तो पूरे शहर में बने, मेट्रो चलना तो पूरे शहर में बने, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम हो तो पूरे शहर का हो। यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने पे इसका प्रयोग होने लगा, प्रयोग सिर्फ दो वार्डों में हो, स्मार्ट सिटी दो वार्ड में बने जो पहले से विकसित, और पूरा पूरा शहर उसका टैक्स चुकाए, जिनको उपभोग नहीं करना पड़ा मिले कभी वो भी टैक्स दें। और आप सोचिए कैसा कॉन्सेप्ट है ये कि 8,000 करोड़ रुपया लगना है जिसमें से केंद्र की और राज्य की सरकार सिर्फ 500 करोड़ देगी, वहाँ की 7,500 करोड़ जबलपुर देगा, जबलपुर की जनता से टैक्स में वसूले जाएंगे। और आप सोचिए राइट टाउन वाले उपभोग करेंगे, नेपियर टाउन वाले उपभोग करेंगे, लाल माटी वाले सिर्फ टैक्स देंगे, पसियाना वाले टैक्स देंगे या बागला दफाई वाले टैक्स देंगे, तो जहाँ विकास की आवश्यकता है वहाँ विकास होना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट ही गलत है। इस पे अब क्या स्मार्ट सिटी पे भी रोक? स्मार्ट सिटी पे रोक नहीं, ये प्रचार पे बनी, ये कागजों पे है ये योजना, ये यथार्थ में देखी कहाँ? आप सुबह से जब निकलते थे घरों पे रहते थे तो बड़ा अच्छा लगता था, एक गाड़ी कचरे वाली गाड़ी में कचरा फेंको जी, सुबह सुबह सुनने मिलता था। क्या हुआ कचरे का, कितने अवार्ड मिले? लंगड़ा बुखार में, चिकनगुनिया में, डेंगू में और स्वाइन फ्लू में 350 मौतें हुई हैं इस शहर में, और ऐसा कोई परिवार नहीं होगा जो लंगड़ा बुखार से परेशान ना हो, चिकनगुनिया से परेशान ना हुआ हो। लोगों के घरों के बजट बिगड़ गए, आपको कहीं देखा नगर निगम का सफाई करती? लेकिन इसमें जब ये बीमारियां चल रही थी कांग्रेस ने भी उस ताकत के साथ आवाज नहीं उठाई, बहुत आवाज उठाई, बहुत। इस शहर का राज्य मंत्री स्वास्थ्य मंत्री रहा, एक शिविर नहीं लगा, पूरी सरकार थी शहर में, एक शिविर नहीं लगा, भारतीय जनता पार्टी का शहर में अध्यक्ष था। लेकिन ये बीमारियां तो ये रोटरी के माध्यम से हमने 10 शिविर लगाए,
ये बीमारियां तो पूरे मध्य प्रदेश में भी दूसरी नहीं, नहीं, ये जबलपुर से, जबलपुर से चाहे वो चिकनगुनिया हो या एक नाम दे दिया गया लंगड़ा बुखार, भाजपा जबलपुर से हमारे क्षेत्र से चालू हुई, पूरे शहर में फैली, और ऐसा कोई परिवार ना होगा जो परेशान ना रहा हो, परिवार के बजट बिगड़े। और ताजुब करेंगे कि मंत्री जी ने एक शिविर नहीं लगाया, ना एक संवेदना व्यक्त की। मुख्यमंत्री बड़े संवेदनशील बनते, संवेदन शून्यता की हद कर दी, एक मौत पे कोई वक्तव्य नहीं दिया। लेकिन अभी शहर की जनता एक आरोप ये भी लगा रही है, और भाजपा भी आरोप लगा रही है, पलटवार कर रही है कांग्रेस पे, कि पहले कांग्रेस जिन मुद्दों को लेकर गुर्राती थी, चाहे स्वास्थ्य सुविधाएं वो हों, अब कांग्रेस के हाथ में सत्ता है, कमान है प्रदेश की, वो व्यवस्थाओं में कितने फीसदी अभी इतने दिन में सरकार बनने के बाद में व्यवस्थाएं सुधरी वो देखा जा सकता है। किसान का बेटा अपने आप को जो कहता था, उसने 15 साल में किसानों के लिए क्या किया? 15 मिनट में कमलनाथ जी ने कर्ज माफ किया है, 15 मिनट में। वो तो एक मजबूरी मानी जा सकती है, क्योंकि वचन पत्र में था और एक मजबूरी। हम बच कोई भी पार्टी अपनी आइडियोलॉजी वचन पत्र या घोषणा पत्र पे देती, हम अमल कर रहे हैं ये कम बात है। तुम तो घोषणा वीर बने रहे, हम तो तत्काल में अमल कर रहे हैं। हम लोग काम करने वाले हैं, मुंह चला के प्रदेश या देश नहीं चलता, अमल करके चलता है, और अमल करना हमारी तासीर में। अभी वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे, और हमारे साथ में जो कैबिनेट मंत्री लखन घनघोरिया जी हैं, हमारी उनके साथ चर्चा जारी रहेगी, आप जाइएगा नहीं, वापस जल्द लौटते हैं, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम में। आज मौजूद हैं कैबिनेट मंत्री लखन घनघोरिया जी, जिन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिली है, दोहरी जिम्मेदारी है, एक सरकार के कैबिनेट मंत्री रूप में भी अपना रोल निभाना है, साथ में संस्कारधानी जबलपुर की तस्वीर सूरत भी बदलनी है। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है लखन जी। हमारी चर्चाएं जो चल रही थी शहर को लेकर, डेवलपमेंट को लेकर, एक पर्यटन भी एक बड़ा मुद्दा रहा है। पर्यटन को हम यदि देखें तो जबलपुर और उसके आसपास का जो क्षेत्र है, अपार संभावनाएं रही हैं। यहाँ की जनता भी उम्मीद लगाई बैठी रही 15 सालों में भाजपा के हाथ में सत्ता थी, कि यहाँ के पर्यटन को लेकर एक अलग तस्वीर बनेगी, दुनिया में जो शोहरत है यहाँ के पर्यटन स्थलों की उसको लेकर और ख्याति भी मिलेगी, वो काफ़ी कुछ हो नहीं पाया। क्या ऐसे कारण लगते हैं? और अब आप भी कैबिनेट मंत्री हैं, तरुण भानोट जी भी कैबिनेट मंत्री हैं, इसका कितना फायदा माना जाए शहर को मिलेगा? एक तो इच्छा शक्ति का अभाव सबसे बड़ा मुख्य कारण रहा है। हम कहना नहीं चाहते लेकिन ये सच्चाई है कि इसके पहले मंत्री परिषद में जो भी रहे वो तो या तो अपने अंतर्द्वंद में उलझे रहे, शहर की तरफ उनने ध्यान नहीं दिया, या ये समझ लें कि कुछ ऐसे भी रहे कि जो जिनकी प्रशासनिक सोच भी नहीं थी, ना शहर के प्रति कोई जवाबदेही वो महसूस करते थे। ये सच्चाई है, छात्र राजनीति से आया हूँ और मैं समझ रहा हूँ कि इस बार की टीम सारे वो लोग हैं जो छात्र जीवन से संघर्ष करते आए। पर्यटन हब जबलपुर बनना चाहिए था, भेड़ाघाट की अपार संभावनाएं यहाँ से, यदि अपन देखें तो जबलपुर के आसपास, जबलपुर संभाग में समझ लें तो कान्हा से लेके, पचमढ़ी से लेके बांधवगढ़, ये सारी चीज़ें एक से एक अच्छे पर्यटन स्थल हैं, लेकिन वास्तव में जो काम इसमें होना चाहिए था वो नहीं हुआ। पर्यटन हब बन सकता है, हुआ ये कि या तो लोगों ने अपनी 5-स्टार होटलें वहीं पे डाल ली, मंत्री होके वहाँ 5-स्टार होटल बना ली, इस पे लोगों ने ज़्यादा ध्यान दिया बजाय इन स्थलों को विकसित करने के, अपने आप को ज़्यादा विकसित किया, और यही कारण है कि पर्यटन हब जबलपुर नहीं बन पाया। क्या कोशिश होगी अब आप लोगों की, जो एक हमने सवाल में जिक्र किया था, आप
दोनों यहाँ से मंत्री हैं, जो कोशिशें होंगी वो कैसे होंगी? दूसरा, अड़ंगा जो शहर की जो आदत उसको कहा जाए, हम बिगड़ेल ट्रैफिक को ही ले लें, कांग्रेस आरोप लगाती रही कि ट्रैफिक आज तक नहीं सुधर पाया, अब सत्ता आपके हाथ में है, शहर का जो ढर्रा है पुराने शहर का उससे आप अच्छे तरीके से वाकिफ हैं, क्या इतना आसान होगा इस बिगड़ेल ट्रैफिक को सुधारना? और जब ट्रैफिक नहीं सुधर पा रहा तो फिर यहाँ का आसपास का जो पर्यटन हब की जो बात है वो कैसे बन पाएगा? जबलपुर ट्रैफिक का सबसे बड़ा जो व्यवस्थित ना होने का कारण है पार्किंग ना होना। जब पार्किंग की स्थिति नहीं है तो ट्रैफिक सेंस भी नहीं है लोगों का, कहीं भी गाड़ी खड़ी कर देना, कहीं भी चले जाना, क्योंकि हम उनको ये व्यवस्था दे नहीं पा रहे कि आपको कहाँ खड़ी करना है। वो लोगों की आदत नहीं बन पा रही। लेकिन यदि हम बहुत पीछे जाएं, थोड़ा पीछे जाएं, बहुत पीछे ना जाएं, तो ये वो शहर है कि जहाँ हाथ रिक्शे सबसे ज्यादा चलते थे प्रदेश में, चुनाव प्रचार भी हाथ रिक्शों पे ही हुई सबसे ज्यादा चलते, बाबूराव परांज पे, और राजीव गांधी भी रिक्शे पे ही मालवी चौक में उन्होंने घूमा था, हाथ रिक्शे सबसे ज्यादा चलते थे, तब ट्रैफिक बहुत ज्यादा दिक्कत देता था, बहुत ज्यादा। हाथ रिक्शे वाले प्रशिक्षित तो होते नहीं थे, कहीं भी हैंडल घुमाया तो फंस गया। सने सने ये स्थिति हुई कि अब थ्री व्हीलर आए, अकेला किसी चीज को हम ट्रैफिक व्यवस्था में दोष दें तो ठीक नहीं होगा। पुराना शहर के पास इतनी क्षमता नहीं कि हम उसको खींच के बड़ा कर सके रोडों को, लेकिन नए एरिया बसना थे, विकसित होना थे। पुराना शहर कहीं का भी ले लो आप, विकसित शहर इंदौर का ले लो तो पुराना वैसा ही है, भोपाल को ले लो पुराना वैसा ही है, लेकिन वहाँ ट्रैफिक सेंस ये पार्किंग व्यवस्था के कारण सुधरा। हमारे यहाँ पार्किंग व्यवस्था ना होना सबसे ज़्यादा दुखदाई है, इस पे काम करना है। यदि बड़ा फुहारा कोई व्यापारी आ रहा है तो गाड़ी कहाँ खड़ी करे, चाहे वो मिलोनीगंज से आ रहा हो, चाहे वो गोल बाजार से आ रहा हो, या गुरंदी में कोई व्यापारी आ रहा, तो कहाँ कैसे सुधरे? लेकिन अब सत्ता नगर निगम में भाजपा की सत्ता है, चार जो विधायक हैं कांग्रेस के उनमें तीन शहर से विधायक आते हैं, लगभग 70-75% माना जाए तो शहर के जो तीन विधायक हैं नगर निगम के दायरे में माने जा सकते हैं। अब भाजपा यदि ट्रैफिक सुधारने के लिए, शहर को व्यवस्थित करने के लिए कुछ करती है तो कांग्रेस क्या उसमें मदद करेगी? और कांग्रेस यदि कोई विषय उठाएगी तो क्या आपको लगता है कि नगर सत्ता उसमें मदद करेगी? 15 साल से भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की सत्ता पे काबिज थी, 15 साल से, और कम से कम 15 साल से नगर निगम में, नगर सत्ता में भी भारतीय जनता पार्टी काबिज है, और कम से कम 30 साल से लोकसभा भारतीय जनता पार्टी के पास है। लेकिन आपको कहीं लगा कि शहर विकास के लिए कहीं से इन लोगों में चिंता है? कहीं आपको दिखा? लोगों ने, जो जिम्मेदार लोग हैं, इनने सरकारी संपत्तियों में कब्जा कर लिया, स्कूलों में। लेकिन पब्लिक ये कहती है कि विपक्ष दमदार नहीं था, जिसका खामियाजा इस जबलपुर शहर को भी भुगतना पड़ा। विपक्ष यदि दमदार रहा होता तो शायद वो मुद्दे उठते और उन मुद्दों का जो है कहीं ना कहीं दूसरे परिवर्तन के रूप में उन मुद्दों का फायदा शहर को भी मिलता। ये पब्लिक कह सकती है विपक्ष मजबूत नहीं था, आपके पास स्वाभाविक है 8 में से 7 विधायक बीजेपी के, 8 में से 6 विधायक बीजेपी के,
सांसद बीजेपी का, पार्षद 70 में से 40-45 बीजेपी के, तो विपक्ष क्या करता, विपक्ष की आवाज़ सुनने वाला ना, जिनका जो प्रजातंत्र पे भरोसा नहीं करती वो विपक्ष की आवाज़ सुनते ही नहीं थे। कितनी बैठ के सदन की होती थी और स्थगित हो जाती थी, कितनी बार विधानसभा के पूरे सेशन चले, 10 दिन का सेशन 5 दिन में ख़त्म हो जाता था, सुनने नहीं विपक्ष की बात, आप विश्वास पर चर्चा नहीं करते थे। एक सवाल और लोकसभा चुनाव से जुड़ा हुआ, लोकसभा इलेक्शन करीब है, अब 4 सीटें 50-50 का मामला है, 50-50 8 सीटों में से 4 में कांग्रेस, 4 में भाजपा है, लोकसभा इलेक्शन की क्या तैयारी रहेगी कांग्रेस की? कांग्रेस फुल तैयारी से चुनाव लड़ेगी, एकजुटता एक रूपता के साथ कांग्रेस मैदान में आएगी। और हम उम्मीद करते हैं कि अभी तो प्रदेश में सरकार बनाई है, हम लोकसभा भी जीतेंगे और देश में भी सरकार बनाएंगे। चेहरा कौन सा होगा जबलपुर से देखा जाए तो कांग्रेस का चेहरा कौन? जबलपुर से ही होगा, जबलपुर से बाहर से नहीं आएगा, लेकिन चेहरा कौन सा होगा? चेहरा जबलपुर से ही आएगा, अच्छा चेहरा आएगा जो स्वीकार होगा सबको, क्योंकि पूर्व विधानसभा में जैसे आपको स्वीकार किया गया, भले ही इस बार जो टिकट का वितरण हुआ एक सवाल उसमें भी सियासी गलियारों में गूंजता रहा, और ये सवाल आपसे भी हम करना चाहेंगे कि जो टिकट का जो वितरण हुआ आखिरी समय तक जो इंतजार करने के पीछे क्या वजह रही, जबकि पहले दौर में ही पहली लिस्ट में पूर्व विधानसभा क्षेत्र और पश्चिम विधानसभा बिल्कुल सेफ टिकट मानी जा रही थी कि जो नाम थे आपका था तरुण भानोट जी का, लेकिन आपका आखिरी वक्त तक इंतजार करने के पीछे ये पार्टी कौन सा समीकरण था? ये पार्टी की एक स्ट्रेटजी थी, हर पार्टी की अपनी एक स्ट्रेटजी होती है, एक प्लानिंग होती है। ये तय था कि फर्स्ट लिस्ट में सीईसी से क्लियर करा के रख लिया था, आपको याद हो उस समय ये खूब चला था कि उत्तर से कौन लड़ेगा भारतीय जनता पार्टी से, तो यहाँ के एक बहुत कद्दावर नेता का नाम आया कि शायद उनको लड़ाया जाएगा भारतीय जनता पार्टी से। अब तो चुनाव हो गए, कद्दावर नेता का नाम भी ओपन कर दे भाई, ये खूब हवा थी, सब जान रहे थे, शहर में ये चर्चा खूब थी कि मंत्री जी को हटा के सांसद जी को लाया जाएगा। और आप थोड़ा पीछे जाए तो आपको सब क्लियर हो जाएगा, जैसे ही उत्तर विधानसभा डिक्लेयर हुई बीजेपी की, उसके तुरंत बाद कांग्रेस ने अपनी टिकट डिसाइड कर दी, एक स्ट्रेटजी थी जिसके तहत हमारा नाम रोका गया था। उससे पहले 2013 के पहले जो चुनाव थे उसमें आप जीते थे, एक ब्रेक के बाद में फिर अब ये चुनाव आप जीते हैं, आपका कद पहले से अब जो है दुगना हुआ है, लोकसभा चुनाव में यदि भरोसा जताती है पार्टी तो आप क्या लोकसभा चुनाव में फाइट करेंगे? पार्टी का जो आदेश होगा वो हम लोगों को सिरोधार रहेगा, पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, स्वाभाविक है पार्टी का आदेश सर्वोपरि है, लेकिन हमारे पास ऐसे लोग हैं जिनको हम जिता के सांसद बनाएंगे और अपनी विधायकी का, क्योंकि सरकार में है तो कहीं से ऐसा नहीं कि एक विधायक कम हो, सांसद भी बनाएंगे और सरकार बदस्तूर चलेगी, लेकिन जो सूची भी जाएगी लिस्ट जाएगी वो बाईपास कहीं ना कहीं इर्द गिर्द मंत्रियों मुख्यमंत्री से पास होती हुई जाएगी, तो जो चयन होगा जो चेहरा होगा ग्रामीण वाले को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगा या शहर वाले को? तो चार लोकसभा ये 4 विधानसभा है, इसमें तो प्रेफरेंस की बात ही नहीं रहती, 4 विधानसभा शहरी है, चार चेहरा लोकसभा के लिए जो चेहरों में सूची जाएगी तो वो ग्रामीण के चेहरे ज्यादा होंगे शहर के? ये तो लोकसभा में रह ही नहीं जाता ग्रामीण और शहर, ये तो सर्वमान नेता कौन है, ग्रामीण की पब्लिक भी किसको स्वीकार करती, शहर की पब्लिक भी किसको स्वीकार करती, और स्वीकारता किसकी ज्यादा है उस पर देखा जाता है, जिसकी ज्यादा स्वीकारता होगी उसको बनाएंगे प्रत्याशी। एक और सवाल, मंत्रिमंडल गठन भले ही हो गया लेकिन कुछ ऐसे भी
कांग्रेस के जीते हुए विधायक हैं, चाहे वो केपी सिंह का नाम लें, चाहे कंसाना जी का नाम लें, जो उधेड़बुन चल रही है वो किस तरह की, सरकार क्या पूरी ताकत के साथ में अनवरत चल पाएगी? विधानसभा लगी 7 तारीख को है। केपी सिंह जी वरिष्ठ नेता है और अनुभवी उनका बहुत है। यदि अपन पूरा मंत्रिमंडल देखे तो कई चीजों का संतुलन बनाना पड़ता है, जातिगत भी, क्षेत्रीय स्तर पे भी, रीजन वाइज भी। तो सारी चीजें आप देखें, कहीं ना कहीं कोई तो छूटता है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते केपी सिंह जी हम लोगों से ज्यादा योग्य है और पार्टी उनका सही मूल्यांकन करेगी। अभी तो लोकसभा चुनाव भी, सपा बसपा के भी और निर्दलीय भी एक खफा हो गए थे। अब ऐसी स्थिति में, क्योंकि ज्यादा फासला नहीं है, भाजपा की जो सीटें हैं, कांग्रेस की सीटें जो हैं, उस सीट के फासले में यदि परिस्थितियां, हालात ऐसे बनते हैं अविश्वास प्रस्ताव के, उससे कैसे निपटा जाएगा? पार्टी अपनी पूरी तरीके से तैयार है अविश्वास प्रस्ताव या किसी भी स्थिति से मुकाबला करने के लिए। कांग्रेस तैयार और कहीं कोई दुराभाव नहीं है, सब साथ हैं। ये बात अलग है, किसी को अभी लिया है, थोड़े दिन बाद किसी को फिर लेगी और ये प्रक्रिया है, ये चलती रहती। अभी ऐसा तो है नहीं कि लास्ट आज ही मंत्रिमंडल पूरा बन गया और यही चलेगा 5 साल, ये तो है नहीं। कहीं कहीं देखना था कि क्षेत्रीय स्तर पे या जातिगत समीकरण में, अब वो ये रहा था कि राजपूत या ठाकुर 10 विधायक हो रहे थे तो कहीं अनबैलेंस हो रहा था। तो सब चीजों को देखा जाता है। एक चलते चलते एक आखिरी सवाल, और कमलनाथ जी महाकौशल से ही ताल्लुक रख रहे हैं और जबलपुर मुख्यालय भी है, जबलपुर को देखते हुए कमलनाथ जी की तरफ से अभी जब विधानसभा सत्र भी शुरू होगा और आने वाले समय में जो बैठकों का दौर भी शुरू होना है, कौन सी ऐसी बड़ी घोषणाएं हैं जो यहाँ को लेके आपकी भी जो चर्चा हुई होगी कमलनाथ जी के साथ में, कि शहर को जो यहाँ की नब्ज पकड़ी हो कि शुरुआती तौर पे यहाँ ये ज़रूरत है? एक तो आपको स्पष्ट कर दें कि कमलनाथ जी ने 2 दिन पहले बहुत स्पष्ट किया कि अब कोई भी मंत्री या मुख्यमंत्री घोषणा नहीं करेगा, घोषणा अधिकारी करेंगे, वचन निभाएंगे। वचन निभाएंगे, हम वचनबद्ध हैं कि जिस तरीके से छिंदवाड़ा का विकास हुआ माननीय कमलनाथ जी ने किया और वो मॉडल विकास का पूरे प्रदेश में स्वीकारा गया, उसी प्रकार से अवधारणा है कमलनाथ जी की कि मध्य प्रदेश देश में मॉडल बने विकास के मामले में। ये उनकी सोच है और ये प्रतिबद्धता है कमलनाथ जी की कि हम मध्य प्रदेश को देश में एक मॉडल बनाएंगे। जब उनकी ये प्रतिबद्धता है तो आप सोचिए कमलनाथ जी को जबलपुर से कितना मतलब है कि उनने एक नहीं 2-2 कैबिनेट मंत्री दिए हैं जबलपुर को। हम लोग दोनों अपनी ड्यूटी निभाएंगे और जबलपुर को उन्हीं का अनुसरण करते हुए छिंदवाड़ा की तर्ज पे विकास करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया लखन जी। ये थे लखन घनघोरिया जी, जो अनुसूचित सामाजिक कल्याण पुनर्वास विकास मंत्री, कैबिनेट मंत्री में इनको जगह मिली है और ये बड़ा विभाग भी दिया है, बड़ी जिम्मेदारी भी दी है, पूरे प्रदेश की भी जिम्मेदारी कैबिनेट मंत्री के तौर पर है। और साथ ही साथ जबलपुर में ब्रेक के बाद जो दूसरी बार उन्होंने विजय हासिल की, लगभग 35,000 से ज़्यादा मतों से जीत भी दर्ज की, एक इतिहास भी पूर्व विधानसभा क्षेत्र में रचा है। कई तरह की उन्होंने चर्चाओं में जिक्र भी किया है कि चाहे जबलपुर हो, जबलपुर का जो हक है अब वो हक नहीं मारा जाएगा। 15 साल में जो विश्वासघात जबलपुर शहर के साथ हुआ, चाहे वो घोषणाओं के रूप में हो या फिर लोगों ने जो अपेक्षाएं जनप्रतिनिधियों से की थी, अब वह विश्वासघात नहीं चलेगा। विधान परिषद की बात हो या फिर अन्य दूसरे क्षेत्रों में जो बातें हों उसको लेकर भी मध्य प्रदेश सरकार
गंभीर है और जबलपुर को न्याय मिलेगा ही, न्यायधानी के तौर पर जो संस्कारधानी जबलपुर शहर कहलाता है, जबलपुर की सूरत भी बदलेगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर हम एक नई शख्सियत के साथ में और नए चेहरे के साथ में हाजिर होंगे, शहर विकास से जुड़े, प्रदेश से जुड़े कई तमाम मुद्दों पर हाजिर होंगे। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।